अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और मुझे उम्मीद है कि आपने जो अलमंदा से लेकर आप लोगों ने रे तक पढ़ा है, बहुत अच्छा फीडबैक आया, बहुत अच्छा राइट किया, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरे साथ साथ आप बहुत अच्छा प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट्स की, जब आप इसके साथ साथ पढ़ेंगे और इसके साथ साथ राइट करेंगे तो आपको साथ साथ ये दोनों चीज़ें उसके बारे में वेल अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको रीड भी करना है, इसको राइट भी करना है और पिक्चर से फाइंड आउट भी करना है कि रे के साथ कौन सी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, आज जो हमारा सबक है वो है रे। हम इससे पहले कि हम पढ़ें, आप सबसे पहले चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। ठीक है, आज हमारा जो सबक है वो है रे। रे से क्या बना गुड़, रे से क्या बना ये देखिएगा जड़, ये देखिए रे से क्या बना पहाड़, ये देखिएगा रे से क्या बना गुड़, रे से क्या बना जड़ और रे से क्या बना पहाड़। और हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो है रे से। अब मैं आपको उसको राइट करना भी, इसके आपको लिखना भी सिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए रे, ये देखिएगा रे, रे अरे अरे, रे से पहाड़ है, रे से गुड़ है, रे से पहाड़ है, रे से गुड़ है। स्टूडेंट्स ये बड़ी अच्छी बात है, आप पिक्चर के अंदर से तलाश करते हैं कि इससे क्या बनता है, रे से क्या बनता है और पिक्चर में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो इस लफ्ज़ से बनते हैं। ठीक है, ये आप ये ज़खीरा लफाज होते हैं, इनके आप लोग जो फ्यूचर में हो उसकी वोकेबलरी बढ़ती है, अब की वोकेबलरी में इजाफा होता है कि एक जो लफ्ज़ है और उसके साथ कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, जो कि फ्यूचर में आपके काम आ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने एक छोटा सा लेसन और भी रखा है जिसको कहते हैं मलाप, ये मलाइन नुस्खा मलाइन। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है, ये जो है ये देखिएगा छोटे छोटे से लफाज हैं मलाइन। ये देखिए स्टूडेंट, इसकी एक और प्रैक्टिस की भी शेप है, वो प्रैक्टिस कैसे करनी है ये देखिएगा। अगर ये मेरे पास डाल है, ये देखिए जो वर्ड जिसके साथ बनता है उसको उस मैच करें। ये देखिए यहाँ डाल लिखा तो ऐसा कहाँ है, ये देखिएगा स्टूडेंट्स ये डाल इसके साथ है। ये देखिएगा दाल है तो दाल कहाँ है, ये देखिएगा स्टूडेंट्स ये दाल को दाल के साथ मैच कर देंगे। ठीक है, ये देखिएगा हे है ना तो हे के साथ इसको मैच करेंगे। ये देखिए हे, ये देखिएगा ये देखे है तो खे के साथ इसकी मैचिंग कर देंगे। तो आपने इसको राइट भी करना है, ये वर्ड जो आपको नहीं आते आप इसकी प्रैक्टिस करेगा। एक तरीका ये भी है कि इसको इसके साथ मैच करने से भी बंदे को पता, स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि इसके साथ दाल के साथ, दाल के साथ क्या है, ये वर्कशीट्स क्या हैं, ये वर्कशीट से कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी तरह के आप पेज पर बनाएँ और पेज पर स्टूडेंट्स से करवाएँ ताकि ये आप इसको अच्छी तरह से याद हो जाएं। ठीक है, और इसी तरह से वो आइडेंटिफाई कर सकें दाल से कौन सा लफ्ज़ बनता है, दाल कहाँ है, हे कहाँ है और खे कहाँ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़। अच्छा हुआ खराब।